जाफरान दनेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। दनेगा मार्ट जाफरान। आप जाफरान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल। फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आने वाली होली और शबे बारात के मौके पर कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को नियम पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शबे बारात की रात में मुमरा कौसा के अमृत नगर कब्रस्तान और कौसा कब्रस्तान, एम ए होली कब्रस्तान में रात 11 बजे के बाद कब्रस्तान बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह से लोगों से होली का त्यौहार भी नियम अनुसार अपने घरों में एक दूसरे को मुबारकबाद देकर मनाने के लिए कहा गया है। कोरोना महामारी 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। पिछली बार शबे बारात के रात में कब्रस्तान पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, मगर इस बार मुमरा पुलिस स्टेशन में कब्रस्तान के ट्रस्टियों और हिंदू समुदाय के जिम्मेदारों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग के दौरान कब्रस्तान के ट्रस्ट द्वारा खुद ये फैसला लिया गया कि मुमरा कौसा में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और खतरा बढ़ता देखते हुए ये फैसला लिया गया कि शबे बारात की रात 11 बजे के बाद कब्रस्तान बंद कर दिया जाएगा और लोगों को मास्क लगाकर नियम पालन करने के लिए कहा गया है। मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कट ने इस पूरी गाइडलाइन पर क्या जानकारी दी है, सुनिए। सर, शबे बारात के लिए कुछ नियम वगैरह जारी हुआ है? शबे बारात, होली और धूलिवंदन और आने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया हुआ है वो हमने सभी जो कब्रस्तान के 5 कब्रस्तान के जो ट्रस्टी थे उनकी मीटिंग लिया हुआ है। वो मीटिंग में उन्होंने आपस में तय किया हुआ कि रात को 11 बजे हम लोग सर बंद करेंगे। बाद में होली की गाइडलाइन जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसका फॉलो करने के लिए हमने मीटिंग लिया। वो अलग से मीटिंग हुई है, तो उसमें भी उन लोगों ने ये किया कि हम लोग जो कोरोना की वजह से गाइडलाइन आई है उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि अपने यहाँ परसों 54 पेशेंट मिले थे, बाद में कल भी दीवा और मुमरा मिलके 50 के ऊपर ही पेशेंट मिले हुए, तो वो ध्यान देते हुए उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हम लोग सब गाइडलाइन का फॉलो करेंगे और जो जो चीज़ें हमने उनको आज के जुम्मे के नमाज के टाइम ऐलान करने को बोला है कि मास्क का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, ये सब उन्होंने तय किया हुआ है कि आज जुम्मे के नमाज के टाइम हम लोग ऐलान करेंगे और पुलिस प्रशासन को और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको पूरा साथ देंगे। सर, होली के जैसे सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग रंग खेलते हैं, तो इस बार क्या ऐसा है? नहीं, वो जो गाइडलाइन आई है उसमें तो पूरा बैन करके रखा हुआ है, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि सर ये नहीं होगा करके, नहीं तो फिर पुलिस जो है कानून की कानूनी कार्रवाई करेगी।